हेलो दोस्तों, मैं हूँ करण और आप देख रहे हैं रेल फैनिंग विद करण। तो आज मैं आया हूँ भूज रेलवे स्टेशन और यहाँ से मैं आपको जर्नी दिखाने वाला हूँ 09456 भूज बांद्रा स्पेशल एक्सप्रेस में। भूज रेलवे स्टेशन जिसका स्टेशन कोड है BHUJ और ये स्टेशन आता है बाय वेस्टर्न रेलवे जोन में अहमदाबाद डिवीजन में। दोस्तों 09456 भूज बांद्रा स्पेशल एक्सप्रेस इस ट्रेन की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1984 में और इस ट्रेन को ऑपरेट किया जाता है बाय वेस्टर्न रेलवे जोन। इस ट्रेन के टोटल जो हॉल्ट्स है वो टोटल 19 हॉल्ट्स है। हमारी जर्नी का जो टाइमिंग होने वाला है 15 घंटे 10 मिनट का होने वाला है। जो डिस्टेंस होगा वो 840 किलोमीटर का होने वाला है। तो दोस्तों शाम के 7 बज चुके हैं और आप ये देख सकते हैं भूज रेलवे स्टेशन काफी बढ़िया दिख रहा है और ये सामने एक नंबर प्लेटफॉर्म पे हमारी ट्रेन खड़ी है। जल्दी हमारी जर्नी शुरू होने वाली है 8:15 को। तो चलिए अभी हम ट्रेन के अंदर आ चुके हैं और ये सामने वाली जो सीट है वो मेरी है, विंडो सीट मुझे इस बार मिल चुकी है। दोस्तों 8:15 हो चुके हैं और अभी हमारी ट्रेन यहाँ से चलने को तैयार हो चुकी है। भूज रेलवे स्टेशन से अभी डिपार्चर हो रहा है और सुबह जो है बांद्रा टर्मिनस को हम पहुँचने वाले हैं 11:45 को, जो कि अभी देखते हैं इस जर्नी के दौरान हमें क्या क्या देखने को मिलता है। नाइट जर्नी होने वाली है और सुबह जो मॉर्निंग जो है वो वडोदरा स्टेशन के बाद होने वाली है। तो देखते हैं दोस्तों, चलिए इस जर्नी की शुरुआत हो चुकी है। तो यहाँ से हम भूज रेलवे स्टेशन को करते हैं बाय बाय और बढ़ते हैं हमारे इस जर्नी में आगे की ओर। काफी अंधेरा है यहाँ पे। तो हमारे इस जर्नी में इस ट्रेन का पहला हॉल्ट आ चुका है अंजार स्टेशन और इसके प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हमारे इस ट्रेन का अराइवल हो रहा है। अभी हमारी ट्रेन गांधीधाम जंक्शन पे अराइवल हो रही है और यहाँ से होने वाला है लोकोमोटिव रिवर्सल। तो यहाँ से डायरेक्शन भी चेंज होने वाली है, तो मैं आपको लोकोमोटिव भी दिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों।
तो ये है हमारे इस ट्रेन का लोकोमोटिव WDP-4D जो कि अहमदाबाद जंक्शन तक हमारे साथ है। फिर उसके बाद इस ट्रेन को WAP-7 लोकोमोटिव लगाया जाएगा, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। और अभी हम देखते हैं गांधीधाम जंक्शन से डिपार्चर। अभी भचाऊ रेलवे स्टेशन पे हमारे इस ट्रेन का अराइवल हो रहा है और आप सामने देख सकते हैं एक लाइट जल रही है, मतलब कोई तो ट्रेन यहाँ से क्रॉस होने वाली है। डबल स्टैकर फ्रेट ट्रेन जो क्रॉस हो रही है काफ़ी बढ़िया है, लेकिन ये नाइट जर्नी है तो मैं ज़्यादा कुछ आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो अब भी आ चुका है समाख्याली जंक्शन जिसका स्टेशन कोड है SIOB और यहाँ से दो लाइन क्रॉस होती है जो कि समाख्याली पालनपुर की ओर जाती है और दूसरी समाख्याली अहमदाबाद की ओर जाती है। तो दोस्तों अभी रात बहुत हो चुकी है तो अभी सुबह देखते हैं कौन से स्टेशन से मैं आपको ये जर्नी दिखाने वाला हूँ। तो अभी वक्त होता है सोने का, तो गुड नाइट दोस्तों, अभी मुलाकात होती है कौन से स्टेशन पे, देखते हैं। दोस्तों 2:54 हो रहे हैं और अभी हमारी ट्रेन आ चुकी है अहमदाबाद जंक्शन पे और यहाँ से होने वाला है लोकोमोटिव चेंज। अब तक इस ट्रेन को लगा हुआ था डीजल लोकोमोटिव और अभी यहाँ से लगने वाला है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव WAP-7। दोस्तों अभी टाइम होता है 3:15 और अभी हमारी ट्रेन यहाँ से चलने को तैयार हो चुकी है अहमदाबाद जंक्शन से।
सुबह के 6:35 हो रहे हैं और अभी हमारी ट्रेन काफ़ी रफ्तार से आगे बढ़ रही है सूरत स्टेशन की ओर। और ये जर्नी जो है बोरीवली स्टेशन तक होने वाली है और मैं आपको वडोदरा स्टेशन दिखाने पाया दोस्तों। दोस्तों सूरत स्टेशन आ चुका है, इसके प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हमारी ट्रेन अराइवल हो रही है 6:50 को। सामने प्लेटफॉर्म के आगे 2 लोकोमोटिव खड़े हैं, WAP-5 और WAP-4 दोनों एक साथ है। दोस्तों अभी हमारी ट्रेन उधना जंक्शन को क्रॉस कर रही है। सूरत और उधना जंक्शन के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर का है। और दोस्तों सामने WAP-7 लोकोमोटिव खड़ा है। दोस्तों सामने वाली जो रेल लाइन है वो जाती है जलगांव भुसावल की ओर और जो अहमदाबाद नागपुर वाली जो ट्रेन से वो यहीं से जाती है दोस्तों। अभी हमारी ट्रेन आ चुकी है नवसारी स्टेशन और यहाँ से एक ट्रेन क्रॉसिंग होने वाली है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से यहाँ से एक ट्रेन क्रॉस होने वाली है। पोरबंदर कोचुवेली स्पेशल एक्सप्रेस, बहुत रफ्तार से ये ट्रेन आगे बढ़ रही है दोस्तों। दोस्तों आप ये सामने देख सकते हैं वेस्टर्न रेलवे का ये 3rd और 4th लाइन वाला प्रोजेक्ट। 3rd और 4th लाइन अभी यहाँ पे वर्किंग प्रोग्रेस में चल रही है।
दोस्तों अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और अभी हमारी ट्रेन वलसाड स्टेशन पे अराइवल हो रही है। फिर इसके बाद इस ट्रेन का नेक्स्ट हॉल्ट जो है वापी स्टेशन है। वलसाड स्टेशन के बाद ये आगे आप देख सकते हैं थर्ड एंड फोर्थ लाइन का जो काम है ये यहाँ पे भी चल रहा है। यहाँ तो ब्रिज का भी काम हो चुका है। वापी स्टेशन पे हमारे इस ट्रेन का अराइवल हो रहा है और एक नंबर प्लेटफॉर्म पे शताब्दी एक्सप्रेस खड़ी है। दोस्तों सूरत इंटरसिटी एक्सप्रेस जोधपुर बांद्रा सूर्यानगरी एक्सप्रेस दोस्तों पालघर स्टेशन को हमारी ट्रेन काफ़ी रफ्तार से क्रॉस कर रही है और अभी हमारी ट्रेन का जो नेक्स्ट हॉल्ट है वो बोरीवली स्टेशन है और मेरी जर्नी बोरीवली तक ही है। ये ट्रेन आगे जाएगी फिर बांद्रा टर्मिनस को।
दोस्तों अभी हमारी ट्रेन रफ्तार से विरार स्टेशन को क्रॉस कर रही है और सामने चर्च गेट जहाँ लोकल भी है। दोस्तों हमारे इस ट्रेन का सेकेंड लास्ट हॉल्ट आ चुका है बोरीवली स्टेशन और मेरी जर्नी अभी बोरीवली स्टेशन तक की है, फिर ये ट्रेन आगे जाएगी बांद्रा टर्मिनस की ओर। तो दोस्तों मेरी जर्नी अभी यहीं पे समाप्त होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल रेल फैनिंग विद करण। तो मिलता हूँ मैं आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बी हैप्पी एंड दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।